अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़ुबैर अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर 3 प्रैंक ट्रिक्स लेकर आया हूं, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग प्रैंक ट्रिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रैंक नंबर 1, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कुछ रेंज और उसके बाद होम में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में, उसके बाद नंबर के अंदर कस्टम में जाएं और यहाँ पे डबल कॉलन 3 मर्तबा प्रेस करें, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद आपका फ्रेंड अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेगा तो उसको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा। आपका फ्रेंड बहुत ही परेशान हो जाएगा कि यार मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए रेंज सेलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें और उसके बाद ओके। आप देख सकते हैं आपकी टाइप की हुई डेटा यहाँ पे शो हो गई। चलते हैं नंबर सेकंड प्रैंक पे। सेकंड प्रैंक, यहाँ पे आप जाएं डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन सेटिंग के अंदर अलाउ में जाएं, डेसिमल पर क्लिक करें और यहाँ पे मिनिमम 0, मैक्सिमम 0.00001 प्रेस करें। एरर अलर्ट के लिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं टाइटल में जाके इनवैलिड डेटा, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यू हैव इंटर्ड इनवैलिड डेटा। ठीक है, ओके करते हैं। अब अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे कुछ भी टाइप करता है तो उसके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा, एरर मैसेज, यू हैव इंटर्ड इनवैलिड डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फ्रेंड कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी सेल में डेटा टाइप करेंगे तो आपकी डेटा सेव नहीं होगी, बल्कि आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा। यकीनन आपका फ्रेंड बहुत गुस्से में आ जाएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ से क्लियर ऑल पर क्लिक करें और ओके कर दें। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं प्रैंक थर्ड की तरफ। ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस शीट का स्क्रीनशॉट निकाल देना है। स्क्रीनशॉट निकालने के लिए कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें और यहाँ से पेंट ओपन करें, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करें और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद इस शीट को हम करते हैं यहाँ से क्लोज और यहाँ से सेव की हुई इमेज को राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये पिक्चर डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड जो आइकन्स थे वो मैंने जो है अनहाइड किए हुए हैं। अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करें, व्यू में जाएं, शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करें तो आपके सामने आइकन्स शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ, इसको चेक मार्क हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये पिक्चर है या ओरिजिनल है। तो आपका फ्रेंड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसको क्लोज करने की कोशिश करेगा या इसमें इसके अंदर कुछ टाइप करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा और यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं होगा। तो यकीनन आपका फ्रेंड बहुत परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है और ये क्लोज क्यों नहीं हो रही, इसके अंदर कुछ टाइप क्यों नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी
आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।